17 जून को अजमेर के दरगाह इलाके के अंदर एक मौन जुलूस निकाला गया था, जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा विवादित भाषणबाजी की गई और जो जुलूस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन किया गया। इसके आधार पे 162/22 दरगाह थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 4 मुलजिम पहले अरेस्ट किए गए थे और उसमें एक जो मुख्य मुलजिम है गौर चिश्ती, जिसने भाषणबाजी की थी, वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल दरगाह कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो गौस महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। अरे यार सुनने तो दो दादा, उसको जो शरण देने वाला है उसको भी डिटेन किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसका क्या योगदान है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर उसको भी किया जा रहा है। हाँ, आज अभी गौर चिश्ती को पुलिस है वो कोर्ट के अंदर पेश करेगी, उसके बाद में पीसी रिमांड लेगी और इसके बाद में इसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा कि इसका किस किस घटना में और कहाँ कहाँ क्या क्या लिंक है। सर, प्राइमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन आपने किया है उसमें कुछ पूछताछ में क्या आया, एटलीस्ट गौहर का किससे कनेक्शन था, कहाँ गया, किस रूट लाइन से गया, ये सब चीजें थोड़ा मेंशन करिए। अभी हमने इसको क्या है कि हम रात को ही लेट नाइट लेकर के पहुंचे हैं और अभी इससे पूछताछ हो रही है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बाद में बता दिया जाएगा। हैदराबाद रखी थी उसको कैसे एटलीस्ट आपने मैनेज किया, कैसे गिरफ्तार किया, पूरा वो कोऑर्डिनेशन तो बताइए। हैदराबाद के अंदर जो हमारी टीम गई हुई थी उसने वहाँ वेश बदल करके और हैदराबाद पुलिस के सहयोग से इसको अरेस्ट किया गया है और इसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन हैदराबाद टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारी टीम का पूरा सपोर्ट किया और इसको अरेस्ट करने में हमारी मदद की। क्या पुलिस गौहर चिश्ती की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उस रिकॉर्ड को खंगालेगी, क्योंकि ऑलरेडी इसने पैसा ट्रांसफर किया था उदयपुर से, वो किसको किया था ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा, इसके फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है उसकी भी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी, इसके अलावा इसके किस किस से लिंक है और इनका किन किन घटनाओं के अंदर लिंक है उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा की। एक बात तो है कि ये पकड़ा गया है उसके बाद की जो तफ्तीश होगी, पर ये भी तो है कि आप लोगों ने कॉल डिटेल्स तो खंगाली होंगी, क्या इसने मोहम्मद रियाज अटारी से, गौस मोहम्मद से कोई बात की, कॉल डिटेल्स तो आपने अभी तक खंगाल ली होंगी सर। इसके बारे में अभी विश्लेषण किया जाएगा, कॉल डिटेल का विश्लेषण भी किया जाएगा और उनके संबंध में अगर इसका कोई लिंक है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। PFI और दावत इस्लाम का एक्टिव मेंबर है, क्योंकि इसके कई वीडियोस आए भी हैं। अभी जांच की जा रही है। सर, हैदराबाद अजमेर पुलिस कितने दिन से था? हैदराबाद में कितने दिन से था सर? लगभग ये 1 तारीख के आसपास से हैदराबाद के अंदर था। सर, गौहर चिश्ती के विवादित बयान से पहले 10 जून को ब्यावर में PFI का एक प्रोटेस्ट था, उसमें भी इस तरह के विवादित नारे लगे थे, जिसका वीडियो फोटोग्राफ जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। संज्ञान में था पुलिस के? सर, अभी ये हमारे संज्ञान में आया है, इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब, आपने गौहर चिश्ती को पकड़ लिया, सरवर चिश्ती उसके बेटे आदिल चिश्ती, इतने दिन हो गए पुलिस ने ना तो कोई नोटिस दिया, खुलेआम घूम रहा है, सद्भावना यात्रा में लोगों का वेलकम करता है, क्या उसके खिलाफ जुर्म वो नहीं है जो गौहर चिश्ती के खिलाफ है? सरवर चिश्ती के जो उसने बयान दिए हैं उसके अंदर हमने उसको पाबंदी की कार्रवाई के लिए ADM को भेज दिया गया इस्तका सा और उसके अंदर है, उसको नोटिस जारी हो रहे हैं। उसमें कार्रवाई की हुई सर? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी वो कोर्ट का मामला है, उसको नोटिस जारी हो रहा है। NIA से कोऑर्डिनेशन हुआ है? NIA इसको अब अपने रिमांड पे दे सकती है, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड आप लोग मांगेंगे। अभी हमारा NIA से इस मामले में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। कितने लोगों की टीम हैदराबाद गई थी और हैदराबाद से तार एस्टैब्लिश कैसे हुआ? हैदराबाद से तार एस्टैब्लिश कैसे हुआ? अभी जो हमारे है वो 5 सदस्यीय टीम थी जो हैदराबाद गई थी, जिसके अंदर सुनील टाडा जो है हमारा सब इंस्पेक्टर है वो था, और रणवीर सिंह ASI है, जगमाल ASI है, रामबाबू हेड कांस्टेबल है और संतराम कांस्टेबल है। ये 5 लोगों की टीम थी जो हमारी हैदराबाद के अंदर थी। कितने दिन रुका था सर ये? अभी हम इसकी पूरी डिटेल खंगाल रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पे रुका है और इसका किन किन के साथ में लिंक है। सर,
सर जिनके अभी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में ही इसके बारे में डिटेल में बता पाएंगे। हैदराबाद में कोई राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था इसको? सर ये तो आपके पास सीडीआर रिपोर्ट में भी है कि वो उदयपुर गया हुआ था, तो इसका कनेक्शन क्या है उदयपुर में इतना बड़ा? नहीं अभी 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 इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही हम बता पाएंगे कि इसका किस किस से लिंक है, इसको किसका संरक्षण प्राप्त था। सर आपने इसको किस किस मामले में गिरफ्तार किया? क्या इसको भड़काऊ स्पीच के मामले में गिरफ्तार किया गया? इसका दरगाह थाने के अंदर 162/22 मुकदमा दर्ज है, जो इसने भड़काऊ स्पीच दी थी निजाम गेट से, उसके मामले में इसको अरेस्ट किया। जो साथ में जिसको गिरफ्तार करके लाया है उसका क्या रोल है? उसको शरण देने वाला है, उसको हमने डिटेन करके लाए हैं, उससे भी पूछताछ हो रही है। नाम क्या उसका? उसका नाम है एहसान उल्ला उर्फ मुनवर, वो वहीं का रहने वाला है, वो हैदराबाद का रहने वाला है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा? अभी उसके बारे में विस्तृत अनुसंधान हो रहा है। किस से शरण दे रखी थी उसने अपने? ये जब से हैदराबाद गए हैं तब से उसके पास में ही था, लगभग 10 दिन के आसपास, 10-12 दिन के आसपास। हैदराबाद तक कड़ी कैसे जुड़ी है? क्या कॉल डिटेल्स खंगाली गई? कैसे कड़ी कैसे आप लोग? टेक्निकल एविडेंस और मुखबिर तंत्र के द्वारा हमें पता लगा कि ये हैदराबाद है, और उसके आधार पे ही उसको वहां जाकर के हमारी टीम के द्वारा दस्तयाब किया गया है। हत्याकांड में भी एक इनपुट जो है वो हैदराबाद से निकला था, क्या पुलिस अजमेर इस बात पे भी गौर फरमाएगी कि हैदराबाद से इनका कनेक्शन किस बेस पे था? अजमेर पुलिस है वो इसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करेगी कि इसका कहां से किसे लिंक है और इसके साथ में कौन कौन है। जयपुर से ये अजमेर निकला, जयपुर में क्या कोई संरक्षण मिला, किसी प्रकार का सहयोग था कि ये जयपुर से हैदराबाद निकल गया, उस समय कोई जाँच नहीं हुई? अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कहां कहां रुका है, किसके संरक्षण मिला था और कहां रुका है, किसका सहयोग था। विस्तृत धाराओं में गिरफ्तार किया ये तो बता दीजिए, एटलीस्ट केवल भड़काऊ भाषण इसी को लेकर ही आपने गिरफ्तारी की है या और दिशा में भी कुछ आप जांच कर रहे हैं, और वो धारा तो बता दीजिए एटलीस्ट। इसको जो अभी अरेस्ट किया गया है 162/2022 है जो FIR है, उसके अंदर इसको IPC के सेक्शन 115 सैपटी धारा 302, इसके अलावा इसको 117, 143, 149, 188, 504, 506 IPC के तहत गिरफ्तार किया गया। सर मानेंगे 17 जून को जो उसने भाषण दिया भड़काऊ, उसके बाद आज 15 जुलाई हो गई है, गिरफ्तारी में जो समय लगा कहीं ना कहीं पुलिस की चूक रही? इसमें मैं पुलिस की चूक नहीं कहता हूं, क्योंकि कई बार ये है कि साथी अपराधी होते हैं वो जगह छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में हमने हमारे मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, और इसके अलावा जो टेक्निकल एविडेंस इकट्ठे करते हुए और टेक्निकल टीम के सपोर्ट से इसको है वो हैदराबाद जैसी जगह से जाकर के दस्तयाब किया गया है, क्योंकि बहुत दूर पे था ये। सर्वर चिश्ती के खिलाफ भी कोई एप्लीकेशन आप लोग को मिली थी क्या? आप मामला दर्ज करेंगे जो प्रोवोकिंग स्पीच के तमाम वीडियो? अभी सर्वर चिश्ती के खिलाफ कोई हमें एप्लीकेशन नहीं मिली है, लेकिन उसके पाबंदी की कार्रवाई के लिए हमने ADM सिटी को लिखा हुआ है, इस तरह से पेश किया हुआ है, उसके नोटिस जारी हो रहे हैं। ये बता पाएंगे कितने सर ये अजमेर से भागा तो आखिर हैदराबाद तक कैसे पहुंचा? क्या जयपुर से हवाई जहाज के थ्रू गया? कुछ तो ऐसा हो सर कॉन्क्रीट जो आप निकाल पाए हो? नहीं अभी इसकी जांच की जा रही है, इसे पूछताछ की जाएगी, तब उसके बाद में ही हम डिटेल में बता पाएंगे कि ये किस रूट से गया है और किन किन के सहयोग से ये यहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ। गिरफ्तार किया है सर? 4 लोगों को इस मुकदमे में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, इसके अलावा 5वां जो है गौर चिश्ती उसको गिरफ्तार किया है, और 6ठा जो इसको शरण देने वाला है मुनवर उर्फ एहसान उल्ला उसको अभी है डिटेन किया हुआ है। एहसान उल्ला मेहमान है सर, क्योंकि ये बहुत खुद खादिम भी है, तो ये एहसान जो 6ठा आरोपी है अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि इनके आपस के अंदर क्या लिंक है, ये आपस में दोस्त हैं या मेहमान हैं, क्या है उसके। सर क्या ये बिहार में इसने फरारी काटी थी? बिहार में भी इसने फरारी काटी थी अपनी? अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही बता पाएंगे कि ये कहां कहां पे गया है, क्योंकि अभी विस्तृत रूप में जब इससे पूछताछ की जाएगी और इसके जो टेक्निकल हमारी टीम है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद में बता पाएंगे ये कहां कहां रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पकड़ा है, क्या उस मामले में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूछताछ करेगी? इसके जो पीछे की जो पूरी इसकी हिस्ट्री है वो भी खंगाली जाएगी कि इसका किस किस से लिंक रहा है, और इन किन किन मुकदमों के अंदर ये अगर किसी में वांटेड रहेगा तो उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और पूर्ण रूप से इसके बारे में चौतरफा कार्रवाई की जाएगी। सर ये आपके लोगों ने काम सर अच्छा किया है, एटलीस्ट जिस तरीके से आपके जो जिन लोगों ने भी गिरफ्तार किया है उसका एक रूट मैप तो बता दीजिए, क्योंकि हम लोग बार बार पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके पुलिस वालों ने बड़ा अच्छी तरीके से खंगाल के उनको गिरफ्तार किया है। नहीं इसका अभी हम पूछताछ कर रहे हैं कि ये कहां कहां से गए हैं, लेकिन जो प्राइमा फेसी जो हमारे पास में इनपुट आया है ये जयपुर से बाई फ्लाइट है वो हैदराबाद गया था, और उसके बाद में हैदराबाद में ये जो मुनवर है वो इसको लेकर के अपने घर पे गया है। और भी लोगों से पूछताछ होगी?
अभी इनसे पूछताछ करके इनके साथ में किन किन लोगों का कौन कौन से लोग इस घटना के अंदर शामिल है सबसे पूछताछ की जाएगी। चुनारामी, ये जो कल बड़ा खुलासा हुआ है पटना में, पीएफआई एक साजिश रच रही थी 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के, उसके डॉक्यूमेंट्स मिले। अब चूंकि इस पूरे मामले को अगर तफसील से देखते हैं तो कहीं ना कहीं पीएफआई का लिंक मिलता है सरवर चिश्ती से, इनके रियाज से, इन सवालों तो क्या इस एंगल से अजमेर पुलिस जांच करेगी, क्योंकि मामला बेहद संगीन है। ये मामला बेहद संगीन है और पुलिस है वो हर एंगल से जांच करेगी, जिस भी तरह की जो चीजें आएगी पुलिस है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी और आज पीसी लेकर के इनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, शुरुआती दौर में कुछ भी आपको ऐसा कोई हाइडआउट मिले हैं जिसमें लगता है कि कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है उसमें थोड़े से भी इसके कुछ कनेक्शन है, उस दिशा में आप जांच कर रहे हो? उस दिशा में हम जांच करेंगे, लेकिन अभी तक ये है कि इनसे पूछताछ करेंगे, उसमें अगर उस तरह का लिंक मिलेगा तो बिल्कुल जांच की जाएगी। सर्वर चिश्ती का एक वीडियो था जिसमें वो पीएफआई के मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराते हुए दरगाह के अंदर दिखाई दिए, वो लगातार उनसे बात कर रहे थे और सर्वर चिश्ती एक्टिव मेंबर बताए जा रहे हैं पीएफआई के। तो क्या ये सारा मामला जो है सर्वर चिश्ती, गौहर चिश्ती, आदिल चिश्ती, इन तमाम चिश्तियों से पूछताछ करने का काम पीएफआई के एंगल पे पुलिस करेगी या नहीं करेगी? पुलिस है वो हर एंगल पे इनसे पूछताछ करेगी और हर एंगल पे जांच करके, जांच के आधार पे डिसीजन लिया जाएगा। पीएफआई का एंगल एस्टैब्लिश हो पाया है सर? सुनाराम जी, अभी तक की तफ्तीश में कोई पीएफआई का एंगल एस्टैब्लिश हो पाया है क्या? अभी हम क्योंकि इसको लेट नाइट ही पूछताछ के लिए लेके आए हैं, आज इसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में ही बताया जाना संभव होगा। सर, क्या एनआईए ने दरगाह क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज जो खंगाले थे, क्या एनआईए ने अभी तक कोई संपर्क किया है? अभी एनआईए ने हमसे अभी कोई संपर्क नहीं किया है। एसपी साहब, जब आपने इसको हैदराबाद में अरेस्ट किया था आपकी टीम ने, तो क्या इसने कुछ विरोध जताया, कुछ भागने की कोशिश की थी? हर मुलजिम है वो पुलिस से बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी टीम और जो हैदराबाद पुलिस है उसकी सजगता से इसको हम अरेस्ट करने में कामयाब रहे हैं। सर, राजस्थान पुलिस ने किस प्रकार का रूट प्लान किया था, हम यही जानना चाहते हैं। रूट प्लान किस तरीके का था, कैसे गिरफ्तार किया है, ये रूट प्लान जानना था। राजस्थान पुलिस ने जो इसके बारे में हमारे मुखबिर तंत्र से जब सूचना मिली कि ये हैदराबाद में है, तो हमारी टीम हैदराबाद गई और वहाँ के लोकल पुलिस से सपोर्ट लेकर के और वहाँ पे वेश बदल करके और चारों तरफ से उस मकान की रेकी की गई और दुकानों की रेकी की गई और उसके आधार पे हमने वहाँ पे चारों तरफ से घेर करके इसको अरेस्ट किया। ये वहाँ पर क्या कर रही है क्या अभी? इस केस की एनआईए जांच अभी नहीं कर रही है। वहाँ पर क्या पहचान बदल कर रह रहा था? अभी इसके बारे में पूछताछ की जा रही है कि वो वहाँ पे किस रूप में रह रहा था। ठीक है सर, थैंक यू।